हटाते हैं फोन जो है बंद हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए ऑन हो गया फोन और चल रहा, वर्क कर रहा है। अब ये चार्जर हटा दूंगा, अब देखिए फोन बंद। तो ये फॉल्ट क्यों आता है और इसका सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो चलिए आज मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अरे ये देखिए, इस पे पहले ही काम किया हुआ है किसी ने, इस पे देखिए जैक वैक भी चेंज किया और तार के द्वारा जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो चलिए इसका एक्चुअल में फॉल्ट कहाँ से है ये बताते हैं हम आपको। यहाँ तो जैक लगाया हुआ है पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव है, तो इसने डायरेक्ट चार्जिंग कर रखी है। दोस्तों ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये डायरेक्ट सीपीयू से आता है हमारे चार्जिंग आईसी में। तो ये जो है, ये इसके जो है सप्लाई जो है चार्जिंग आईसी में नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे इसको, ये इस पॉइंट से, या फिर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इसको स्क्रैच करके यहाँ से जो है हम डायरेक्ट इस पर जम्पर मार के देखेंगे। ये जो है प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वैल्यू प्रॉपर नहीं दे रही। तो चलिए इस पर हम जम्पर लगा के दिखाते हैं आपको। इसको आप स्क्रैच भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो है आप इससे जो है जम्पर भी लगा सकते हो। ये देखिए जम्पर हमने लगा दिया है, मैं थोड़ा क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। ये इस पॉइंट पे लगाना है आपको, इधर से जो है जम्पर इस पॉइंट पे लगाना है, या फिर इस पॉइंट को जो है स्क्रैच भी कर सकते हो। ये ध्यान से देखिए, इधर भी एक पॉइंट है, इसे डायरेक्ट सीपीयू से आता है। अब देखते हैं फोन ऑन होता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये बिना चार्जर के जो है फोन ऑन हो रहा है अब, ठीक है। ये देखिए, और चार्जिंग भी लगा के देखते हैं चार्जिंग दिखा रहा है कि नहीं। ये देखिए चार्जिंग भी हो रहा है, ठीक है, और अब जो है फोन बंद भी नहीं हो रहा है, बिना चार्जर के फोन चल रहा है। ये देखिए, सिर्फ ये जो है यहाँ से हमें जो है इसमें जम्पर लगाना है और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।